शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो कहानी तुम्हारे ऊपर फिट हो गई। कौन बोल रहा है? हम कौन है ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना जान लो, कल चार्ली मरेगा तो तुम्हारी माँ भी मरेगी। अगर ये बात कोई और जान गया तो तुम अपनी माँ का मरा मुंह देखोगे। सर, सर, अब कौन है मैं नहीं जानता सर, लेकिन चार्ली का जीना मरना मेरे हाथ में नहीं है सर, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। हेलो 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 सर, हेलो सर, हमारा बेटा स्कूल से घर नहीं पहुंचा है। व्हाट भैया, सब कुछ सेट कर दिया है, रजिस्ट्रार से भी बात कर ली है, अगले गुरुवार को तुम दोनों की शादी है। मुझे बस चाहिए एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और दो फोटोग्राफ। ये मैंने एप्लीकेशन भी रेडी कर दिया, चेक कर लीजिए। उस दिन मैं बस दो वरमालाएं और एक मिठाई का डिब्बा लेकर आऊंगा। और क्या बचा? हाँ भाई, भूल गया था, गवाह के लिए दो दोस्त बुला लेंगे। अरे तू है ना, मुझे बीच में मत डालो भैया, तुम्हारी शादी में मैं गवाह बना तो चाचा जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं सारिका के हॉस्टल जा रहा हूँ, उसे पता चलेगा तो खुश हो जाएगी। तू चलेगा क्या? भैया मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है भैया। बच गया भगवान। सारिका कहाँ गई है जानती हो? मैं नहीं जानती। अगर तुम्हें सारिका वापस चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कल तुम्हारे जेल में चार्ली को फांसी होने वाली है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर चार्ली मरा तो सारिका भी मरेगी, हमारे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मत सोचो, चार्ली को बचाने का उपाय करो। कौन है तुम? छोड़ो मुझे! क्यों लाया हो मुझे यहाँ? इस लेटर के बारे में अगर किसी से जिक्र किया तो तुम्हारी सारिका जिंदा नहीं बचेगी, याद रखना। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? चार्ली के जेल में आने के बाद वो किस किस से मिला मैं सब जानना चाहता हूँ। ओके सर। अर्जेंट। जी सर। तुझे फांसी से बचाने के लिए एक लड़की को अगवा किया गया, किसने किया है ये काम? तुझे बचाने की कोई कोशिश कर रहा है, कौन है वो? चल बैठ इधर, बैठ सबके सामने बैठ। बोलेगा नहीं बिल्कुल। ये मेरी जेल है, अंदर मैं जो भी करूं बाहर किसी को पता नहीं चलेगा, फांसी चढ़ने से पहले ही मरेगा, गोली से मार दूंगा। बोल बोल। सर मैंने पता किया है, चार्ली सिर्फ एक ही आदमी से जेल के अंदर मिला था, पांडू। पांडू तेरी मदद क्यों कर रहा है? पांडू की बात छोड़ो जेलर, तुम मेरी मदद करो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। है? तुम मुझे पैसों से खरीद नहीं पाओगे। डायमंड्स। तो तुमने उसे डायमंड्स देने का वादा किया? अबे बेवकूफ, वो डायमंड्स के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा, सीधा तेरे घर जाके भी ले सकता है ना। जेलर, जेलर, मेरा लॉकर कहाँ है कोई नहीं जानता, अगर जान भी गए तो बिना मेरे फिंगरप्रिंट के खुलेगा नहीं। जिंदा रहने के लिए दांव पे जाज मारा है, तू बचेगा नहीं, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, तेरी फांसी कोई नहीं रोक सकता। ए चार्ली, जो तुझे बचाने आएगा वो खुद अपने मौत के जाल में फंस जाएगा। जेल लिस्ट के मुताबिक पांडू के घर का पता चल गया है सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो पांडू को नहीं जानते, उसने शायद गलत पता दिया है सर।
इसका नाम पांडु है, अभी अभी जेल से रिहा हुआ है। मुझे ये किसी भी हाल में चाहिए। हेलो। हाँ धर्मा, फांसी की तैयारी पूरी हो गई? धर्मा मैं तुम्हीं से पूछ रहा हूँ, वहाँ सब ठीक है ना? यस सर। गुड, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। ओके सर। पांडू की हर जगह तलाश की सर, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला सर। अब हम क्या करें सर? कल 6 बजे चार्ली की फांसी है, उसकी तैयारी करो। सर फिर मैडम का क्या? चार्ली को फांसी होगी। चार्ली, समय हो गया, चलो आओ। चलो चंद्रशेखर अलियास चार्ली, तुम्हें आईपीसी सेक्शन 302-303 के तहत अदालत ने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है। राष्ट्रपति ने तुम्हारी क्षमा याचना भी रद्द कर दी है। सब आदेशों का पालन करते हुए आज तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। बचाना फर्ज था, तुम जहां भी होगी ठीक होगी। हेलो सर, फांसी के खंभे में कोई प्रॉब्लम आ गई है, चार्ली की फांसी रुक गई सर। व्हाट, आखिर वहां हुआ क्या? अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया था सर। तुम्हारा धर्म इस वक्त कहां है? जेलर साहब अंदर टेक्नीशियन से बात कर रहे हैं सर। तुम सब किसी काम के नहीं हो, मिस्टर धर्मा से कहो कि मुझसे आकर मिले। ठीक है सर। सर वो टेक्नीशियन आ गया। नमस्ते सर, ये बोल्ट इतनी जल्दी खराब नहीं होता सर, पुराना होने के कारण जाम हो गया होगा या फिर किसी ने जानबूझकर निकाल दिया होगा, इसी वजह से शटर खुला नहीं होगा।
तुरंत ठीक करवा दो इसे। ठीक है, चलता हूँ सर। सर। मलिक, तुम आज रिहा हो रहे हो ना? सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई? हाँ, वो सब पूरा हो गया सर। बस जाने से पहले आपसे मिलने आया था। उस दिन आपने मेरी मदद की, आपकी वजह से मेरी माँ जिंदा है। थैंक्स बोल के आपको छोटा नहीं दिखाना चाहता। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। माँ के लिए यहाँ आया था ना? बाहर जाके अच्छे काम कर, माँ खुश हो जाएगी। जरूर सर, अब चलता हूँ। बिना मुझसे परमिशन लिए डार्क सेल में किसी को आने मत देना। ठीक है सर। सर, डीआईजी ने आपको बुलाया है। आपका प्लान तो लाजवाब है भाई। डर इंसान से कुछ भी करवा लेता है, और मैं अपनी आशाओं को मरने नहीं देता। सच है भाई, उन तीनों ने अपना अपना काम किया। अगर कोई एक पीछे हट जाता तो चार्ली की मौत हो जाती। आखिर ये काम कौन करवा रहा है? वहाँ पर धर्मा को और यहाँ चार्ली को पता चले बिना बहुत अच्छा प्लान बनाया भाई। अभी बहुत कुछ करना बाकी है सुलेमान। जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, हमें संभल कर रहना होगा। पांडू कहाँ मिलेगा? नहीं जानता भाई। हमारे और उस धर्मा के बीच में वो पांडू ही कॉमन पॉइंट है। उससे कह देना कि वो ज्यादा बाहर ना घूमे। ठीक है भाई। कोई काम अगर नहीं हुआ तो उसके दो कारण होते हैं, एक काम नहीं जानना और दूसरा जानबूझकर गलती करना। इनमें से कोई एक तो सच्चाई है। ट्रायल करते वक्त काम कर रहा था सर। ये सब बेकार की बातें मत बोलो। चार्ली के मामले में मुझ पर ऊपर से बहुत दबाव आ रहा है। अब गलती किसी की भी हो सर, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ धर्मा, तुम्हारे काम करने का ढंग मुझे पसंद नहीं। आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया है सर। आज से जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा सर। स्टॉप इट धर्मा, किस कारण ये गलती हुई है? शाम तक उसका पूरा ब्यौरा मुझे अपने टेबल पर चाहिए। ओके सर। अभी चार्ली का स्टेटस कैसा है? डार्क सेल में रखा है सर। वॉच हिम केयरफुली। यू कैन लीव नाउ। ओके सर। इस आदमी को कितना घमंड है, एसपी ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। एक दिन तो बाजी मेरे हाथ लगेगी। वकील साहब, आप ठीक तो हैं? ओके सर। क्या उस फांसी को पोस्टपोन करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था? उस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सारा डिसीजन धर्मा का था। पांडू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। वो पुराने कोठे पे बहुत जाया करता था। वहाँ सुरभि नाम की एक लड़की से बहुत मिलता था। उस लड़की को पकड़ने से सब पता चल जाएगा। हाँ? अरे कौन है आप? सीधे अंदर चले आ रहे हो? यहाँ इससे पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, 5 मिनट रुकिए, फ्रेश होके आती हूँ। ये आदमी कहाँ मिलेगा? तुम पुलिस वाले हो क्या? मैं तो इसे नहीं जानती हूँ। जी सर, दो चाय बोल। जी। hey, हाँ? वही धर्मा है ना? वही है भाई। यहां गाड़ी क्यों रोकी?
एशियन टिम्बर डेपो कहां पर है? हमें नहीं पता। एशियन टिम्बर डेपो कहां? सीधे जाके लेफ्ट में जाइए, वहीं पे होगा। थैंक यू। हे, पांडु कहां है? डिपो में ही है। उसे तुरंत फोन करो। ओके। अरे क्या हो गया? कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है। हेलो 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 पांडु। हेलो, वो धर्मा तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा है, तुम वहां से जल्दी निकल जाओ। हेलो पांडु। हेलो टाइगर, सुनाई नहीं दे रहा है। पांडु एक मिनट रुको, मैं बाहर आता हूँ। पांडु तुम बाहर मत आना, बाहर मत आना, मेरी बात ध्यान से सुनो, वहीं रुको। हेलो पांडु, पांडु अरे धर्मा वहीं पहुंचा है रे। हेलो पांडु, अरे सुनो, अरे सुनो, एक आदमी मेरे पीछे आ रहा है, उसे संभालो। कौन चाहिए बे? पांडु कहाँ है? भाई कौन? हमारा पांडु क्या? क्यों बे, पांडु अंदर आया है क्या? नहीं है भाई। नहीं आया है तो अभी अभी अंदर आया है। क्यों बे, पांडु अंदर है क्या? कहा ना नहीं है। देखो मुझे पांडु चाहिए। तुम हमारी बात नहीं समझोगे, काम की बात करते हैं। पांडु तुम्हें नहीं मिलेगा, हम मिलने भी नहीं देंगे। मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो करके रहूंगा, उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। तो भाई हमारे कंपाउंड में आकर हमें ही धमका रहे हो? कंपाउंड वंपाउंड सब मैं नहीं जानता, मुझे जो चाहिए मैं लेके रहूंगा। तुम उसका पता बताओगे या मैं खुद उसे ढूंढ लूं? अरे साहब कोई ढूंढने आए हैं, चलो दिखाते हैं। ए हिम्मत है तो पास आओ, डरने वाले बाहर जाओ, इसके आगे तुम्हारी मर्जी। कहाँ है? उसका तेरे साथ क्या संबंध है? वो यहाँ दारू पीने आता है, इतना ही जानता हूँ, और उसके बारे में कुछ नहीं पता। अभी वो कहाँ है? गोडाउन में छुपा हुआ है। टाइगर, धर्मा मुझे ढूंढते हुए आया, यहाँ से भागते हैं, जल्दी चलो। जानता हूँ मैं मजबूर हूँ पांडु, वो धर्मा तुम्हारे बारे में जान गया है, वो तुमसे सच उगलवा लेगा। तुम्हारे मरने से हमें दो फायदे होंगे। पहला, तेरे मरने से उस धर्मा का हम तक पहुँचने का लिंक खत्म हो जाएगा। तू मर जा वरना हम लोग भी फंस जाएंगे। लेकिन अब कुछ नहीं होगा। दूसरा, तुझे मिलने वाला हिस्सा भी हमारा हो जाएगा। Love is so, love is
पांडो पांडो उठ जा पांडो, हे पांडो पांडो।